ओके गाइस, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपके काम को बना भी सकती है और आपके काम को बिगाड़ भी सकती है। सपोज कोई एक काम है जो होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि उस काम को कर लोगे तो चांसेस है कि आप उस काम को कर दोगे। लेकिन कोई ऐसा काम हो जो इजिली हो सकता है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो करने का, तो काम नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा कॉन्फिडेंट बनो, कॉन्फिडेंस लाओ, लेकिन उसको लाना कैसे ये तो कोई नहीं बता रहा। आप डेली बेसिस पे बहुत लोगों से मिलते होगे, उसमें से किसी को देख के ही लगता हो कि ओ यार ये कितना कॉन्फिडेंट आदमी है, और किसी को देख के लगता हो कि यार इसमें तो कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ऐसा होता क्यों? कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखते हैं, कोई लो कॉन्फिडेंस दिखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में कुछ अलग है, वो कुछ अलग चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए एक का कॉन्फिडेंस है एक का नहीं है। मतलब रीज़न है क्या, और ये कॉन्फिडेंस को बनाना कैसे? लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, सिर्फ बोलने से तो हो नहीं जाता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा 6 ऐसी चीज़ें जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद पे ट्राई की हैं, मुझ पे वो काम किया है, इसने मुझे बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपको भी हेल्प करें। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। हे गाइज, वेलकम बैक। हम यहाँ बात करते हैं मेंस फैशन, हेयर केयर, स्किन केयर, लाइफस्टाइल टिप्स वगैरह के बारे में। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाने में हेल्प करेगी वो है गेट थिंग्स डन। चीज़ों को करो। कॉन्फिडेंस आपके अकॉम्प्लिशमेंट पे, आपके अचीवमेंट पर ही बनता है। आपके जो भी छोटे बड़े गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करो, और आप जितने गोल्स को अचीव करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। ऑब्वियसली बड़े बड़े गोल्स को अचीव होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप छोटे छोटे गोल्स से स्टार्ट करो। सपोज डेली गोल्स से, कि आज आपको पूरे दिन में क्या करना है, रात तक उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। अगर आप वो भी अचीव कर लोगे तो वो भी आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा बूस्ट लाएगा। और जब आप धीरे धीरे अपने सारे डेली गोल्स अचीव कर पा रहे हो तो फिर वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, ईयरली गोल्स एंड सो ऑन आप उसको बढ़ा सकते हो और अचीव करने की कोशिश कर सकते हो। और गोल्स जितने बड़े होते जाएंगे आपकी अचीवमेंट्स भी उतनी बड़ी होती जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़्यादा बूस्ट होता जाएगा। हमेशा याद रखो, थोड़ा प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होता है। तो हमेशा ये मत सोचो कि बहुत बड़ा ही कुछ करना है। छोटा भी कुछ कर रहे हो तो करो, उसको पूरा करो, उसको अचीव करो। बड़े बड़े गोल्स तो एक दिन में अचीव नहीं हो जाते, तो अपने गोल्स को सेट करो चाहे वो जितने ही बड़े हों, और उसको अचीव करने की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। डे बाय डे आप अपने गोल्स के क्लोज होते जाओगे, और ये जो फीलिंग है बड़े गोल्स के क्लोज होने की, यही आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। और बड़े गोल को अचीव करने में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन उसके वे में आप बहुत सारे छोटे गोल्स भी अचीव करोगे। हर अचीवमेंट अचीवमेंट ही होता है, और हर अचीवमेंट आपको कॉन्फिडेंस जरूर देगा। और अगर आप बिना गिव अप किए चलते रहो, अपनी गोल की तरफ लगे रहो, तो एक ना एक दिन आप वो बड़ा वाला गोल भी अचीव कर लोगे, और वो एक बड़ा अचीवमेंट होगा जो आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट देने वाला है। देयर इज नो एंड टू इट। आप एक गोल अचीव करोगे तो सामने दूसरा गोल आ जाएगा, उसको अचीव करोगे तो तीसरा गोल आ जाएगा। तो आपको बस नए नए गोल्स बनाते रहने हैं और उनको अचीव करते रहना, और हर अचीवमेंट आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है लर्न टू से नो। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको कुछ काम करना नहीं होता लेकिन अगर कोई आके बोले तो उसको ना नहीं बोल पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ख़राब ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए, इसलिए वो हाँ कर देते और उस काम को करते हैं ज़बरदस्ती, जबकि उन्हें करना भी नहीं था। अब ऐसे में आप कर ये रहे हो कि आप अपना टाइम किसी और चीज़ में डाल दे रहे हो। हो सकता है कि अगर आप ना बोल देते तो वही टाइम को आप खुद में इन्वेस्ट करते, खुद के लिए कुछ करते और खुद के गोल को अचीव करने की कोशिश करते। तो बेटर है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप ना बोल दो। अगर आप ना बोलोगे तो हो सकता है किसी को बुरा लगेगा, लेकिन एक टाइम में आप सबको खुश रख भी नहीं सकते। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छे से कर लो, लेकिन कोई ना कोई होगा जिसको बुरा लगेगा ही। तो आप दूसरों को खुश करने में ज़्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ उनको ही खुश करो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा आप अपनी खुशी पर ध्यान दो। ये जो आप ना नहीं बोल पाते, यही आपका लो कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा निशानी है, क्योंकि आप खुद के लिए ही स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो कॉन्फिडेंट कहाँ हो आप? जो चीज़ आपको करना नहीं है वो भी आपको करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि दूसरे को बुरा ना लग जाए, तो ये क्या कॉन्फिडेंस हुआ? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट लोगों वाली निशानी नहीं है। आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। जो चीज़ आपको नहीं करनी, आपको बोला जा रहा है तो आपको ना बोलना है। और जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपने आज तक किया नहीं है। खुद के लिए स्टैंड लेना, जब आप खुद के लिए खड़े होने लगोगे तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का बात है। आप वो चीज़ कर रहे हो जो आप पहले करते नहीं थे।
आप दूसरे के बोलने पर काम करते रहते थे, लेकिन अब आप वो नहीं कर रहे हो, आप ना बोल रहे हो। ना बोलने के लिए बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए वो जो बुरा लग रहा है उसको झेलने के लिए। लेकिन अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट हो तो आप बोलोगे। और अगर आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो तो बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। जिस जिसको आप बोलोगे, अगर आप कुछ नहीं करना, आपने ना बोला, तो इससे आपको खुद को अच्छा फील होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। नेक्स्ट टिप है, डोंट इंसल्ट अदर्स। दूसरों का इंसल्ट वही करते हैं जो खुद में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, जिनको लगता है कि उनके अंदर ही कुछ कमी है, इसलिए वो दूसरों को इंसल्ट करने जाते हैं ताकि दूसरे को खुद से कम दिखा के खुद को खुश कर सकें। अगर आप खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड हो, खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आपको दूसरों को इंसल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंसल्ट करने से किसका फ़ायदा हो रहा है? ना आपको कुछ मिल रहा है, ना उसका कुछ बुरा हो रहा है। दूसरे का इंसल्ट करके आप खुद का इमेज ख़राब कर रहे हो। किसी का इंसल्ट करोगे, लोग आपको देखेंगे तो यही सोचेंगे कि आपका सेल्फ इस्टीम कम है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जो खुद में कॉन्फिडेंस होते हैं वो दूसरों को नीचा कभी नहीं दिखाते, क्योंकि वो खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, उनको दूसरों से क्या लेना देना। तो कभी किसी की बॉडी शेमिंग मत करो, रेशियल अब्यूज मत करो, या किसी भी तरह का इंसल्ट मत करो। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो, तो दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखो। आप दूसरों को रेस्पेक्ट करेंगे, दूसरे लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, तो ओवरऑल एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा जो एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर सम डेज कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, कमियाँ सब में होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो आपकी कमी के लिए कोई आपको अब्यूज़ कर रहा हो सकता है आपको बुरा लगेगा, और बहुत लोगों का सेल्फ इस्टीम इसकी वजह से डाउन हो जाता है। हो सकता है कि आप जिसका इंसल्ट कर रहे हो उसको बुरा लगे, और ये सब सुन के उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, तो उसका तो आपने कुछ बुरा कर दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी भी कमियाँ सामने आएंगी और लोग आपको भी उसी चीज़ को लेकर इंसल्ट करेंगे, बुरा भला बोलेंगे, तो ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन करेगी। तो ओवरऑल ये एक कॉन्फिडेंट इन्वायरमेंट नहीं है। आप दूसरों के रिस्पेक्ट करो, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ओवरऑल सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। और अगर आप दूसरों की इंसल्ट नहीं कर रहे हो, खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड हो, तो आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। नेक्स्ट चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी बाइक, आपकी कार, आपके नए जूते जो पहन के आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में ये है, मेरे बाल। मेरे बाल जितने लंबे होते हैं मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। देखो, आप मानो या ना मानो, इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, और जैसे कि मेरा स्किन कलर डार्क है, तो इसको लेके मैंने बहुत कुछ सुना है पास्ट में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैंने अपने बाल लंबे कर लिए, और मेरे बाल बहुत ही डेंस और थिक हैं, तो बहुत लोग मेरे बालों को लेकर मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे। इनफैक्ट जो लोग मुझे स्किन कलर के लिए इंसल्ट करते थे, वही लोग बालों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट था। तो ये फिजिकल से ज़्यादा मेंटल चीज़ है। मेरे बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं, मेंटली मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाल अच्छे हैं, अच्छे लग रहे होंगे, तो ये मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है। तो इसी तरह आपको भी कोई एक फिजिकल चीज़ ढूंढनी है जो आपको मेंटल कॉन्फिडेंस दे। वो कुछ भी हो सकता है, कोई बुक हो सकता है, आपकी खुद की बॉडी हो सकती है, आपके मसल्स, आपके एब्स, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाए, आपको उस पर फोकस करना है। लाइक कोई फ्रेंड, अगर कोई हमारे पास फ्रेंड रहता है तो हम बहुत चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंट फील होते हैं। हमें कहीं जाना होता है तो हम एक फ्रेंड को लेके जाते हैं, हमें कुछ करना होता है तो हम एक फ्रेंड को लेके जाते हैं। किस लिए? क्योंकि फ्रेंड के रहने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपको ऐसे ही फ्रेंड्स पे फोकस करना है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, आपको आगे पुश करते हैं। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको बिना वजह इंसल्ट करेंगे, कुछ भी बिना वजह नेगेटिव बात बोलेंगे। वैसे लोगों के साथ आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। मैं वीडियोस बनाता हूँ, बाल लंबे रखता हूँ, इसको लेकर मुझे रोज़ कोई ना कोई मिलता है जो नेगेटिव बात बोलता है, मेरे वीडियोस को लेकर, मेरे बालों को लेकर बहुत नेगेटिव बातें बोलते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ? उनको इग्नोर कर देता हूँ, उनको आंसर तक नहीं करता, मैं बस इग्नोर कर देता हूँ। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बताते हैं कि वीडियोज़ में ये कर ले अच्छा होगा, वीडियोज़ में वो कर ले अच्छा होगा। वो मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, मुझे ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं, इवन मेरे बालों को लेकर मुझे कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं, बताते हैं कि तुझे जो अच्छा लग रहा है वो तू कर, तेरे पे अच्छा लग रहा है, जो भी। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझे ऊपर पुश करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई तू आगे बढ़। तो आपको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए जो आपको पीछे खींचते हैं। और जो आपको पीछे खींच रहा है, आपको उन्हें इंटरटेन भी नहीं करना है, वो कुछ भी बोल रहे हैं आंसर तक नहीं करना है, उनको बोलने दो जो भी बोल रहे हैं, उल्टा सीधा नेगेटिव जो भी बोल रहे हैं, बस इग्नोर करो
और अपने काम में लगे रहो। अगर आप ये कर पाओगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। मुझे भी पहले ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती थी, कोई मुझे कुछ बोल देता था मैं बहुत दूर तक सोचता रहता था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम को लेकर, अपने लुक को लेकर, अपने बालों को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। कोई मुझे कुछ बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सुनता हूँ, इग्नोर करके आगे निकल जाता हूँ। तो आपको खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है तो आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी आपके बारे में नेगेटिव कुछ ही बोल रहा है आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप खुद में इतने सेल्फ सेटिस्फाइड हो, खुद में आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, कैसा करना है और आप कैसा कर रहे हो, आपको नेगेटिव चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है वो है एक्सरसाइज करना। जहाँ तक मुझे लगता है एक्सरसाइज बेस्ट चीज़ है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज और वर्कआउट वगैरह शुरू करते हो तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आप बेटर फील करने लगते हो। सपोज आपका वेट 70 kg है और आपने सिर्फ 1 kg लूज करके 69 ही कर लिया, तब भी आप बहुत खुश होगे क्योंकि वो 1 kg ही आपने बहुत मेहनत करके लूज किया है, तो वो एक अचीवमेंट है और ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। और जब भी हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता, दूसरों को एटलीस्ट नहीं दिखता, हमें खुद फील होता है कि चेंज हो रहा है, हमें मेंटली अच्छा फील होने लगता है, फिजिकली हमें लगता है कि हम फिट हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें दूसरों को दिखने में काफ़ी टाइम लगती हैं। बहुत जल्दी ये रिजल्ट दूसरों को नहीं दिखते, बट भले ये रिजल्ट दूसरों को ना दिख रहे हों लेकिन वो रिजल्ट आपको खुद को फील होगा। और जब ये आपको खुद को फील होने लगेगा तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा। जब आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे तो ये सबसे बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर दो, अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करो। थोड़ा भी चेंज आएगा तो आप उस पर प्राउड करोगे क्योंकि आपने मेहनत से वो अचीव किया है। तो जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट मिलेगा। और लास्ट चीज़ है, वैसे लास्ट तो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें अगर बोलूँ तो बोलता रह सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए लास्ट चीज़ है कि आप बाहर जाओ, लोगों से मिलो। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और अंडर कॉन्फिडेंट लोग वही होते हैं जो हमेशा सिर्फ अपने एक सेफ सर्कल में खुश रहते हैं, हमेशा अपने घर में बंद रहते हैं, मोबाइल कंप्यूटर में लगे रहते हैं। ये आपको कुछ भी फायदा नहीं करने वाला है। जब आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे तो आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी कि आप कितने लोगों से आगे हो और आपसे आगे कितने लोग हैं। आपको पता चलेगा कि जो लोग आपसे आगे हैं उनसे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है। आप नए नए गोल सेट करोगे तो नए नई चीज़ें अचीव करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। लोगों से बात करके आपको पता चलेगा कि आप सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करते हो, आप किन की हेल्प कर सकते हो और आपको किन के जैसा बनना है। और खुद की पोजीशन जान के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको खुद की पोजीशन ही नहीं पता हो तो आप इम्प्रूवमेंट को नहीं नाप सकते। अगर आपको पता है कि आप पॉइंट ए पे खड़े हो तो आप पता लगा सकते हो कि आप पॉइंट बी तक आपने ट्रैवल किया है, लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है तो आप कैसे मापोगे कि आपने एंड किया है, उससे कितना दूर आपने ट्रैवल किया, नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको खुद की पोजीशन जाननी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाहर निकलो, लोगों से मिलो, आप पता करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। नए नए लोगों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे तो नई चीज़ें सीखोगे, नए नए लोगों के बिहेवियर को समझोगे। तो जब आप ये चीज़ें सीखने लगोगे, समझने लगोगे, लोगों से इंटरेक्ट करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि जब आप घर में हमेशा बंद रहते हो और आपको बाहर खड़ा करा के चार लोगों के सामने बात करने को बोल दिया जाता, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने इंटरेक्ट ही नहीं किया है किसी से काफ़ी लंबे टाइम तक। तो जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनसे बात करोगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, चार आदमी के सामने बोल पाओगे कुछ भी। ये सब वो टिप्स हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं और ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है, इसलिए मैं ये सब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है, सेल्फ इस्टीम थोड़ा डाउन है, अब ये सब ट्राई करो, आपको 100% हेल्प मिलेगा। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।